चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। दिग्विजय सिंह ने सावरकर का जिक्र कर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा और यहां तक कह दिया कि गोमांस खाने में कोई बुराई नहीं है। तो लगातार अपने विवादित बोलों से विवाद खड़ा करने वाले दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर इस तरह का बयान दे दिया है जिस पर सियासी बवाल मच गया है। दिग्विजय सिंह ने सावरकर का जिक्र कर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा, यहां तक कह दिया कि गोमांस खाने में कोई बुराई नहीं है। इस कांग्रेस से और अपेक्षा भी क्या है? सावरकर जैसे महात्मा को इस तरह का मिसकोट करना आज की डेट में कांग्रेस के ताबूत की आखिरी कील साबित हो गई है। ये जिहादी मानसिकता से प्रेरित है। कांग्रेस सदैव ऐसे बयान देती है जिस पर या तो पाकिस्तान ताली बजाता है या इनके बयानों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोर्ट किया जाता है। दिग्विजय सिंह जी वो राष्ट्रीय महापुरुष हैं जो हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने में निरंतर मेहनत और परिश्रम करते हैं। खास अगर इतना ही हिंदू और हिंदुस्तान के भलाई के लिए काम करते तो ना तो पाकिस्तान को मैं जिन्ना पैदा होता, ना आतंकवाद मध्य प्रदेश या देश की धरती पर कहीं दिखाई देता। आज अगर कहा जाए तो सच पूछो कि हिंदू धर्म में क्या क्या खामियां हैं, हिंदू धर्म को कैसे बदनाम किया जा सकता। इस षड्यंत्र में 24 घंटे दिग्विजय सिंह जी लगे रहते हैं। कभी सावरकर जी के नाम से गलत टिप्पणी कोट करते हैं, कभी दूसरे महापुरुषों के नाम पर गलत टिप्पणी करते हैं, कभी किसी को राष्ट्र के नाम पर कहे उन्हें वो राष्ट्रभक्त नहीं थे ये कहते हैं। इनकी नज़रों में, दिग्विजय सिंह जी की नज़रों में आतंकवादी जी हैं, सम्मान है और देशद्रोहियों को बिरयानी खिलाने का इनकी दावत देने का इरादा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। कृषि कानून को लेकर बयान पर विवाद गरमाने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पलट गए। दो दिन पहले नागपुर में उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों पर हम एक कदम पीछे हटे हैं लेकिन फिर बढ़ेंगे आगे, लेकिन जब किसानों ने फिर से आंदोलन की धमकी दी तो कृषि मंत्री अपने बयान से पलट गए। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन है और अगर बैकबोन मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। मैंने ये कहा कि भारत सरकार ने अच्छे कानून बनाए थे, अपरिहार्य कारणों से हम लोगों ने उनको वापस लिया है, लेकिन भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए काम करती रही। आपने कहा एक कदम पीछे हटे, हम नया बिल लाएंगे, नया बिल क्या हुआ? नहीं नहीं, ये नहीं कहा जी। ये नहीं कहा, बिल्कुल गलत प्रचार है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा देश भर में तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं कोविड मरीजों का बढ़ता आंकड़ा डराने लगा है। दिल्ली में एक दिन में 249 नए मरीज सामने आए हैं। 13 जून के बाद एक दिन में संक्रमितों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं महाराष्ट्र में भी एक दिन में 1485 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। दो नए ओमिक्रॉन मरीज भी सामने आए हैं। उधर राजस्थान में एक दिन में ओमिक्रॉन के 21 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। कोविड नियमों के सख्ती के पालन की अपील की जा रही है, तो वहीं यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित तमाम जगहों पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है।